हेलो एवरीवन, पार्ट वन में हमारी जो स्टोरी थी वो हमने आधी स्टोरी देखी थी, ठीक है। तो अभी वो स्टोरी में हमने क्या देखा था वो हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। वो स्टोरी में जो खरगोश है वो भाग रहा है, उसके पीछे फॉक्स भी भाग रहा है, और उसके पीछे क्या हो रहा है, वानर जो है यानी कि मंकी जो है वो भी बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ रहा है। सो अभी पार्ट टू में उसके आगे की स्टोरी होगी। तो उसके आगे क्या हुआ, तीनों लोग भागने लगे, तो उसके आगे देखते हैं, भीतः शशकः धावति। भीतः यानी कि डरा हुआ, शशकः इट मीन्स खरगोश। जो खरगोश डरा हुआ था वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, यानी कि डरा हुआ खरगोश दौड़ रहा था। शृंगालः अनुधावति यानी कि उसके पीछे, अनुधावति यानी कि पीछे दौड़ना। तो डरे हुए खरगोश के पीछे कौन दौड़ रहा था, शृंगालः, फॉक्स भी दौड़ रहा था। और वानरः अपि अनुधावति, अनुधावति यानी कि पीछे दौड़ना, और श्रृंगाल के पीछे, फॉक्स के पीछे कौन दौड़ रहा था, वानरः यानी कि मंकी भी दौड़ रहा था, ठीक है। तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या होता है। द फ्राइटेंड रैबिट रन्स, फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, द फ्राइटेंड रैबिट रन्स, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड, डरा हुआ खरगोश दौड़ रहा है, उसके पीछे फॉक्स भी दौड़ रहा है, द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड, और उसके पीछे कौन दौड़ रहा है, मंकी भी दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे में क्या हुआ, तीनों दौड़ने लगे, भागने लगे, तो फिर इसके आगे होता है सिंह आगच्छति। ये तीनों लोग भागते हैं भागते हैं, और बाद में आगे कौन मिलता है, सिंह, सिंह इट मीन्स लायन। और आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि जो सिंह होता है, शेर होता है, वो क्या होता है, जंगल का किंग, यानी कि फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो लायन है इसको किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल का राजा माना जाता है। तो ये तीनों दौड़ रहे थे, और आगे वो किसको मिले, शेर को मिले। सिंह आगच्छति, सिंह वदति, और शेर बोलता है, क्या बोलता है, शशक किमर्थ धावति, ओ खरगोश, किमर्थ मीन्स कहाँ, धावति यानी कि भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, ऐसा शेर ने बोला। अभी शेर पूछेगा तो हम सभी को, क्योंकि फॉरेस्ट का राजा जो है, जंगल का राजा जो है, वो पूछ रहा है, तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, जो शशक है यानी कि खरगोश है, उसने आंसर दिया। तो फिर हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। सिंह आगच्छति इट मीन्स, सिंह इट मीन्स अ लायन, आगच्छति इट मीन्स इज कमिंग थेर, भागते भागते उसको रास्ते में कौन मिलता है, शेर मिलता है। सिंह वदति, सिंह इट मीन्स द लायन सेज, लायन कहता है। शशक किमर्थ धावति, शशक किमर्थ, किमर्थ मीन्स वाई आर यू रनिंग, आप लोग क्यों भाग रहे हो, ऐसा सिंह ने प्रश्न पूछा। तो फिर उसका आंसर देता है खरगोश, देखिए क्या आंसर देता है खरगोश। शशक वदति, खरगोश बोलता है, सिंह भ्रातः ब्रदर लायन धावतु, आप भी भागिए हमारे साथ। आकाशः पतति, आकाश गिर रहा है। सिंह वदति, अभी देखिए ये सभी लोग ने क्या किया था, खरगोश ने बोला कि आप मेरे साथ भागिए, आकाश गिर रहा है, तो सब उसकी बात मान के, खरगोश की बात मान के फॉक्स और जो वानर है वो दोनों उसके पीछे भागने लगे, ठीक है। मगर सिंह ने ऐसा नहीं किया, शेर ने ऐसा नहीं किया, उसने क्या कहा, सिंह ने बोला, सिंह वदति आकाशः पतति वा, उसने बीच में सामने से प्रश्न पूछा, क्या कह रहे हो तुम, आकाश गिर रहा है। कुत्र पतति, कुत्र मीन्स कहाँ, पतति यानी कि गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, क्योंकि शेर को भी पता था कि आकाश कभी गिरता ही नहीं, आकाश कैसे गिर सकता है, उसने बुद्धि का प्रयोग किया, इसलिए उसने सामने से प्रश्न पूछा, क्या पूछा, कुत्र पतति, कहाँ गिर रहा है आकाश, ठीक है। तो अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, शशकः वदति इट मीन्स द रैबिट सेज, रैबिट ने कहा, ब्रदर लायन यानी कि सिंह,
शेर ने शेर को कहा, द स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है। द लायन सेज, बाद में क्या कहा, शेर ने बोला, क्या बोला, इज द स्काई फॉलिंग, क्या आकाश गिर रहा है, मीन्स इज द स्काई फॉलिंग। जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इज जो है वो आगे आ जाता है, इसलिए इज द स्काई फॉलिंग। ये जो टेंस, कौन से टेंस में ये हमें सेंटेंस बताया गया है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हमें ये सेंटेंस बताया गया है। वेयर इज इट फॉलिंग, वेयर मीन्स कहाँ, इट मीन्स वो, इज मीन्स है, फॉलिंग मीन्स गिर रहा, वो कहाँ गिर रहा है हमें तो ज़रा बताओ, ऐसा शेर ने कहा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, देखिए, शशकः गच्छति, और जो खरगोश है वो ले जाता है सभी को उसके पास, जहाँ आकाश गिरता है वो उसको दिखाने के लिए ले जाता है कि देखिए यहाँ पे आकाश गिरा है ऐसे करके, मतलब शशकः गच्छति, खरगोश जा रहा है। सिंहः अपि सः गच्छति, और जो शेर है, अपि मीन्स वो भी, सः मीन्स उसके साथ, और गच्छति मीन्स जा रहा है, और शेर भी उसके साथ जा रहा है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ, शशकः इट मीन्स द रैबिट, गच्छति मीन्स गोइंग, जा रहा है। सिंहः इट मीन्स शेर, द लायन इज फॉलोइंग इट, द लायन इज फॉलोइंग इट, और जो शेर है वो भी उसके पीछे जा रहा है। अभी इसके बाद स्टोरी में क्या हुआ, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः इट मीन्स खरगोश, वृक्ष समीपम इट मीन्स जो वृक्ष है उसके पास, आगच्छति यानी कि आना, सभी लोग जो वृक्ष जहाँ पे सो रहा था खरगोश उसके पास आते हैं सभी लोग। सिंहः वदति, और सिंहः यानी कि शेर बोल रहा है, शेर बोलता है, कुत्र पतति आकाशः, कुत्र मीन्स कहाँ, पतति मीन्स गिर रहा है, और आकाश कहाँ गिर रहा है आकाश, ऐसा शेर ने प्रश्न किया। शशकः किमपि न वदति, और जो खरगोश है वो उसने किमपि यानी कि कुछ भी नहीं, न यानी कि नहीं, वदति यानी कि बोला, जो खरगोश है वो कुछ भी नहीं बोल पाया। ऐसा क्यों हुआ, खरगोश क्यों कुछ भी नहीं बोल पाया, आपको पता है, अभी तो हमने स्टोरी देखी, क्योंकि खरगोश कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वहाँ पे आकाश गिरा ही नहीं था, मगर क्या गिरा था, वो जो वृक्ष है उसका एक पत्ता उसके सिर के ऊपर गिरा था, और उसने क्या समझ लिया था खरगोश ने, कि मेरे ऊपर आकाश गिर रहा है, और वो बिना सोचे समझे क्या करने लगा, भागने लगा था, इसीलिए खरगोश वहाँ शर्मिंदा हुआ और वो कुछ भी शेर के आगे बोल नहीं पाया। और आगे क्या हुआ, सिंह हंसति, और जो शेर है वो हंसने लगा, क्यों हंसने लगा, उसने सोचा कि ये खरगोश तो देखो कितना डरपोक है, उसको पत्ता गिरा और वो बिना सोचे समझे भागने लगा, उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या गिरा है, इसलिए सिंह है वो, शेर है वो हंसने लगा। शशकः पलायनम करोति, और शेर हंसने लगा और उसके पीछे पीछे जो फॉक्स है, वानर है, वो दोनों भी उसके ऊपर हंसने लगे। अभी सभी लोग हंसने लगे तो ये जो खरगोश था वो बेचारा क्या हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गया, अभी शर्म आई तो वो क्या हो गया, वहाँ से भाग गया। हमको भी शर्म आती है तो हम क्या करते हैं, लोगों का सामना नहीं कर सकते तो हम भाग जाते हैं, ठीक है, कमरे में बंद होके बैठ जाते हैं क्योंकि हमको कभी कभी शर्म आ जाती है। तो इसी तरीके से खरगोश को भी क्या हुआ, बहुत शर्म आई कि मैंने ये क्या किया, बिना सोचे समझे मैं भागने लगा, एक बार देखना तो सही था ना, ऐसे ही भागने लगा, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, वो पलायनम कर गया, पलायनम यानी कि भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या होता है, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः इट मीन्स द रैबिट, वृक्ष समीपम यानी कि नियर द ट्री, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। सिंहः वदति, इट मीन्स द लायन सेज, कुत्र पतति आकाशः, यानी कि वेयर इज स्काई फॉलिंग, वेयर इज स्काई फॉलिंग। द रैबिट सेज, यानी कि खरगोश, द रैबिट डज नॉट से एनीथिंग,
खरगोश कुछ भी नहीं बोला। द लायन लाफ, और शेर क्या करने लगा, उसके ऊपर हंसने लगा। द रैबिट इज रनिंग अवे, और ससकह यानी कि जो शेर हंसने लगा उसकी वजह से खरगोश वहाँ से क्या हो गया, भाग गया, क्योंकि उसको शर्म आई इसलिए। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी। क्या नाम था? आकाशः पतति, द स्काई इज फॉलिंग। अभी आप सब लोगों को पता चला कि हमारी स्टोरी का नाम आकाशः पतति ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि सच में आकाश गिरता नहीं है, मगर हम बिना सोचे समझे जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में क्या होता है, गड़बड़ होती ही होती है। तो इस स्टोरी में हमको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी में हमको सीख मिलती है कि हमें जो कोई भी काम करना है वो सोच समझ कर करना है। किसी ने हमको आके बोल दिया कि ये, इसने मेरे को ये बोला, ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम आप कीजिए, तो आप ऐसे ही करने लगेंगे, ऐसा नहीं। पहले आप उस काम के लिए क्या चलता है, कैसी प्रोसेस होती है सब जानिए, सच्चाई की तह तक पहुँचिए और उसके बाद उस पर यकीन कीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम हमें करना नहीं है। तो ये हमारी संस्कृत की आज की स्टोरी थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।